6 फरवरी 2022 सियोन प्रार्थना भवन से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने मौका दिया कि सियोन टीवी चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपके सामने आ सके हैं। और प्रभु ने मौका दिया रविवारी संगति में आज डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर विलेज मंडियाला से आज पास्टर पीटर जॉन जी हमारे मध्य में रहे, सर स्वागत करते हैं। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने मौका दिया आज के गीतों की सेवकाई, भजनों की सेवकाई सर के द्वारा प्रेयर टावर में की गई और वचनों की भी सेवा पास्टर के ही द्वारा की गई। और सच में किस तरह से हम सेवकों की आज्ञाकारिता में रहकर अपने जीवन में बरकतों को हासिल कर सकते हैं, इस वचन को हमने सुना। अगर आप भी इन वचनों को सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बढ़िया आशीष दें। आइए जानकर चलेंगे कि पास्टर जी को यहाँ पर आकर सियोन प्रेयर टावर में विजिट करके, यहाँ प्रचार करके, गीतों भजनों को गा करके कैसा लगा, इनकी विचार जानकर चलें। सर जय मसीह की। जय मसीह की। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक दफ़ा फिर सियोन प्रेयर टावर में आने का मौका दिया। तो मैं पहले भी काफ़ी बार सियोन प्रेयर टावर में आ चुका हूँ और जहाँ आकर हम हर बार बहुत आशीष पाते हैं पास्टर जी से, कलीसिया के द्वारा। और काफ़ी समय के बाद दोबारा इस कलीसिया में आने को मिला। तो सबसे बढ़िया बात मतलब पास्टर जी की हमें हमेशा यही लगती है कि यहाँ के चर्च का जो डिसिप्लिन है ना, वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि पंजाब में तकरीबन बहुत से चर्चों में मैं जा चुका हूँ और ख़ास बात पास्टर जी की ये है कि जो वो चर्च में प्रचार करते हैं, बाहर कन्वेंशन क्रूसेड में भी जाके प्रचार करते हैं ना, तो जब हम यहाँ आते हैं सियोन प्रेयर टावर में तो आकर देखते हैं कि जो वो प्रीच करते हैं वो सब चीज़ें मतलब सियोन प्रेयर टावर में है। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि पास्टर स्टेज पर प्रीच तो करते हैं लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं, उनकी कलीसिया में जाते हैं, तो वो बातें देखने को नहीं मिलती। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पंजाब में सबसे बढ़िया चर्च का ये डिसिप्लिन जो इस चर्च का है, हमें कहीं नहीं देखने को मिलता। लगभग 13-14 सालों का सफ़र रहा है जब से आप पास्टर जी को जानते हैं, इस प्रेयर टावर में क्या क्या बदलाव देखे आपने और क्या क्या चीज़ें आपने इस प्रेयर टावर में महसूस की, उन बरकतों के लिए सर जानना चाहेंगे। तो जब मैं पास्टर जी से पहली बार मिला था तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो पास्टर जी की जो बड़ी बेटी सुरभि है वो बिल्कुल छोटी थी, आई थिंक 6-7 महीने की होगी। और जब मैं पहली बार यहाँ सियोन प्रेयर टावर में आया था तो नीचे चर्च और ऊपर ये बिल्डिंग थी और आगे वाली छत नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब से हम आ रहे हैं हमने देखा कि प्रभु ने अपने दास को, कलीसिया को बहुत बढ़ाया है, ठीक है। जैसे आगे छत पड़ गई है, ठीक है, ऊपर भी हाल बन गया और उसके ऊपर भी लंगर वाला, और बाकी और भी हमने नीचे से ऊपर तक हमने देखा कि जितनी आशीषें मतलब जैसे हमने पहली बार आकर देखी थी, तकरीबन उससे कह सकते हैं डबल से भी ट्रबल ब्लेस किया प्रभु ने अपने दास को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रिय सेवक के लिए हमारे बीच में आए और खुदावंत से जो आशीषें हमने हासिल की हैं खुदावन के वचन के द्वारा आज हमने सीखा भी है। आप भी उन वचन को सुने और प्रभु के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। अगर आपने सियोन टीवी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की।